तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम माथेरान हिल स्टेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको आना है नेरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें मिलती है टॉय ट्रेन जो हमें सीधा ले जाएगी माथेरान हिल स्टेशन। लेकिन उसके पहले हमें लगते हैं कुछ अमेजिंग घाट और कुछ अमेजिंग रेलवे कर्व जो देखने में बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेते हैं। रेलवे से जाते वक्त हमें पहला पॉइंट लगता है जुम्मा पट्टी, जहाँ पे हमें देखने मिलते हैं कुछ खट्टे मीठे और रसीले फ्रूट्स। और वहीं से आगे का हमारा रेलवे स्पॉट होने वाला है वाटर पाइपलाइन, जो कुदरत के करिश्मे से कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलने वाले गणपति बप्पा जो बहुत ही बड़े साइज में एक ही चट्टान में बनाए गए हैं। जैसे हमें बड़े तादाद में घोड़े दिखाई देते हैं, समझ जाना हम माथेरान पहुँच चुके हैं। फिर हम गए हमारे रूम पे जो हमने बुक किया था, जहाँ से हमें दिखता है सनराइज पॉइंट और वहाँ से कुछ अनोखे नज़ारे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। हमारा होटल जो है वो बहुत ही मार्केट के बीचों बीच था, इसके लिए हमें खाने के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसमें वेज नॉनवेज रेस्टोरेंट और कदम फेमस वड़ा पाव, जहाँ पे हमने नाश्ता किया और हम निकले घूमने के लिए। माथेरान घूमने निकलते ही हमें सबसे पहले लगता है नौरोजी गार्डन, जो बच्चों की बहुत ही पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारे गेम्स खेलने मिलते हैं, जहाँ पे पहले हमने खेला रिंग शूट गेम और फिर बबल शूट गेम। दोस्तों वहाँ से हम निकले शार्लोट लेक की तरफ, जो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत लेक था। हमने वहाँ पे लिए कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। फिर वहाँ से हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और निकले सीधे लॉर्ड पॉइंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें बंदर देखने मिलते हैं, और वहीं से हमें दूरबीन से देखने मिलते हैं पहाड़ियों में की कुछ शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ और कुछ आदिवासी लोगों के गांव और आदिवासी लोगों की सीढ़ियाँ, जो बहुत ही अनोखी देखने में दिखते हैं। फिर हम निकले पिसरनाथ मंदिर, जो बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण से भरा हुआ था, जहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम आगे के सफ़र के लिए निकल चुके थे। पिसरनाथ मंदिर घूमने के बाद हम निकले इको पॉइंट के लिए। इको पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक बार ज़ोर से किसी का नाम पुकारोगे तो आवाज़ आपको कम से कम 7 बार सुनाई देती है। माथेरान घूमने के बाद हम बहुत ही थक चुके थे, उसके बाद हमने चूज की घोड़सवारी, जहाँ पर पर्सन 300 का चार्ज लगता है। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो घोड़सवारी ज़रूर करें, क्योंकि उसका मज़ा कुछ अलग ही है। फिर हम गए जनता चिक्की में, जहाँ पे बहुत ही फेमस माथेरान की चिक्की बनती है, और फिर हमने नाइट में शॉपिंग की अलग अलग तरह की चमड़े की चप्पल, शूज़, पर्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और फिर हम गए माथेरान हिल स्टेशन पर, जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और थोड़े से घूमे। और दोस्तों अगर आप माथेरान की पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने मेरे चैनल पे नई वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।